गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट क्या है इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट जिस तरह से हम लोग देख चुके हैं, वन मोल, यदि वन मोल कहा जाए तो 6.022×10³ पार्टिकल्स कहते हैं। यदि वन डोजेन कह दिया जाए तो हम लोग क्या समझते हैं, जो 12 पार्टिकल। तो इस तरह से ये जो हम लोग समझते हैं, वन डोजन में 12 होगा, वन मोल में 6 इतना पार्टिकल्स होगा, उसी तरह से आज हम एक टर्म बात करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है, इक्विवेलेंट वेट नाम है। इक्विवेलेंट वेट का सटीक डिफिनेशन नहीं है। इक्विवेलेंट वेट हम लोग अलग अलग टर्म में बात करेंगे। अभी जो हम इक्विवेलेंट वेट बात करने जा रहे हैं वे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के टर्म में, यानी इक्विवेलेंट वेट। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ये 3 टर्म में इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड बात किया जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन यदि कहा जाए तो 1 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन यदि कहा जाए तो 8 होता है। इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन यदि कहा जाए तो 35.5 होता है। ध्यान दें, आपको ये अभी नहीं सोचना है जो इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5 क्यों हुआ। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्पष्ट हो जाएगा जो आखिर ऐसा क्यों लिया गया। अभी जल्दीबाजी करने का कोई जरूरत नहीं है। आप वैसा ही समझें जैसा कि वन डोजेन में हम 12 पार्टिकल कहते हैं, चाहे वन डोजेन पेन हो, वन डोजेन मैंगो हो, वन डोजेन बनाना हो, हम लोग बिना विचारे कह देते हैं 12। उसी तरह से आपको बिना विचारे कह देना है जो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5। जरूरत पड़ने पे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको स्पष्ट कर देंगे जो ये आखिर आया कहां से। दूसरी बात, जो इक्विवेलेंट वेट इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और जिस किसी का भी कोई यूनिट ना हो वे अपने आप में एक नंबर बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज ए नंबर। इक्विवेलेंट वेट इज ए नंबर। इक्विवेलेंट वेट मे बी पॉजिटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, बट नेवर बी जीरो
और नेगेटिव, ना ही जीरो होगा और ना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से ये जो इक्विवेलेंट वेट है, इस इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड हम पहले बात करें हाइड्रोजन से, तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो अब हम बात करें इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट रिलेटेड विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिलेटेड दैट पार्ट बाय वेट ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन डायरेक्टली वन पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन के वन पार्ट से या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी एलिमेंट का जितना पार्ट कंबाइन कर जाएगा और डिस्प्लेस हो जाएगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। यह पूरी तरह से क्लियर, हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। कोई एलिमेंट है जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो EH2 ये बन गया एलिमेंट हाइड्राइड, एलिमेंट हाइड्राइड या यूं कहें हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट। क्या समझे, कोई भी एलिमेंट हो और एलिमेंट की जगह पे मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है, एलिमेंट में मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। यदि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है तो एलिमेंट का हाइड्राइड बनेगा। यानी जैसे ही हाइड्राइड वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो हमको समझ लेना होगा जो हाइड्रोजन किसी न किसी के साथ है, सिंगल नहीं है। तो मानते हैं E+H2 EH2 बना, यहां कुछ ना कुछ इसका वेट होगा, ये x ग्राम ये y ग्राम। ये जो हाइड्राइड है वे निश्चित रूप से x+y ग्राम होगा फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम जानते हैं जो जितने मास रिएक्टेंट का होता है उतने ही मास प्रोडक्ट का भी होता है, इसलिए श्योर x+y = x and y। तो अब यहां पे सवाल है जो y part ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ कितने x part of element। तो therefore कितना से कंपेयर कीजिएगा, वन पार्ट से कहां से आ गया, तो हम लोग हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट जानते हैं,
ये खुद एक इक्विवेलेंट वेट है और इसके कंसर्व में किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सबस्टांस का जितना पार्ट आएगा वे भी इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। तो हम क्या कहें, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू वन, ये फार्मूला मिला। लेकिन ध्यान से सुने सभी लोग, जिस किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना हो उसका वेट चाहिए और हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं उसका वेट चाहिए, और यदि ये दोनों वेट स्पष्ट है तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो चलें हम लोग सवाल बात करें। When 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 24 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। जैसे ही आपको इक्विवेलेंट वेट का बात किया जाए तो क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो जिस किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना हो उसका वेट चाहिए और हाइड्रोजन का वेट चाहिए। तो यहां पे हम बात करेंगे वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना, तो 4 ग्राम और वेट ऑफ एलिमेंट 24 ग्राम। अब टेक्निक समझें, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो उसका वेट चाहिए, किसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, एलिमेंट का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू व्हाट, तो जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो एक साइड एलिमेंट ले लीजिए और दूसरे साइड क्या लीजिएगा, हाइड्रोजन। अब वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, अगेन वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। वेट ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 24, इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है 4 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 जानते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको इससे, तो ये इतना इंटू 4, 24 इंटू 1, ये मैथमेटिकल, अब केमिस्ट्री फिनिश्ड है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट यदि कहा जाए तो 24 इंटू 1 बाय 4 6 times, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट यदि कहा जाए तो कितना, 6। तो आज इतना ही बात करेंगे, लेकिन आप लोग कंसस हो जाएं। अगेन आप लोगों को डेली वीडियो अपलोड होगा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, एक दिन फिजिकल, एक दिन ऑर्गेनिक, एक दिन इनऑर्गेनिक, इस तरह का वीडियो अब कंटिन्यूअस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप जानते हैं जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट है, और केमिस्ट्री में यदि भी किशोर सर के पास न पढ़े तो समझिए कुछ नहीं पढ़े, पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन केमिस्ट्री भी किशोर सर के पास न पढ़ें तो कुछ नहीं पढ़ें, क्योंकि देखते हैं पटना में
पूरे केमिस्ट्री मिल करके, तीन तीन टीचर मिल करके ये केमिस्ट्री संभाल रहे हैं, तब पर भी नहीं संभाल रहा है। और भी किशोर सर अकेले होल केमिस्ट्री तीनों फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक संभाल रहे हैं। तो आपको तब पता चलेगा जब आप क्लास करेंगे और उसमें भी रेगुलर क्लास करेंगे। तो अगेन इस पर कल हम प्रॉब्लम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। जो इक्विवेलेंट वेट क्या है, सिर्फ आपको एक आज डायलॉग दिए, आपको कंसस किए, जो आपको अगेन अब वीडियो क्या होगा, अपलोड होगा। जय हिंद।